स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विस्तारित आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? ए 60 वर्ष और उससे अधिक, बी 65 वर्ष और उससे अधिक, सी 70 वर्ष और उससे अधिक, डी 75 वर्ष और उससे अधिक। आंसर सी 70 वर्ष और उससे अधिक। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए अल निजाह, बी वरुण, सी डेजर्ट ईगल, डी इंद्र। आंसर ए अल निजाह। एक्सप्लेनेशन, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल निजाह का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रक्कूट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अभ्यास के लिए कुल 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हुई है। अभ्यास अल निजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए PME बस सेवा योजना, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, सी स्मार्ट सिटी मिशन, डी फेम इंडिया योजना। आंसर ए PME बस सेवा योजना। एक्सप्लेनेशन, PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने PME बस सेवा योजना शुरू की है। इस योजना को 16 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को PME बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनलाइन परमिट ILP लागू किया गया है? ए क्यूएनसांग, किफिरे और लॉन्गलेंग, बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, सी कोहिमा, मोन और फेक, डी मोकोकचुंग, जुन्हे बोटो और वोखा। आंसर बी चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। एक्सप्लेनेशन, नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2024 को चुमोके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में ILP के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इनलाइन परमिट ILP संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी पेशेवरों और व्यावसायिक साझेदारों सहित कुछ समूहों को राज्य में रहने के उनके उद्देश्य के आधार पर 2 से 5 साल के लिए वैध इनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में 80% आरक्षण के साथ आदिवासी छात्रों के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? ए नागपुर, बी मुंबई, सी नासिक, डी पुणे। आंसर सी नासिक। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र में जल्द ही नासिक जिले में आदिवासियों को समर्पित एक विश्वविद्यालय होगा जो किंडरगार्टन KG से लेकर स्नातकोत्तर PG स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण स्किल्स ट्रेनिंग प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी बने रहने देना नहीं है बल्कि उन्हें दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन की पहल है जो राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1984 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं।